वीडियो नहीं लेने का, यूट्यूबर से पंगा नहीं लेने का। सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं फनटेक ज्ञान। सो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का जो ये ड्रामा चल रहा है काफ़ी दिनों से, इसके बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। वो सबसे पहले हुआ यूँ कि एल्विस भाई ने एक वीडियो डाल दी थी यूट्यूब पर, ये वाली वीडियो जिसमें उन्होंने टिकटॉकर का रोस्ट किया था। और रोस्ट करे भी क्यों नहीं, जब 80% टिकटॉक यूजर क्रिंच कंटेंट पर वीडियोज़ बनाएंगे तो भाई रोस्ट तो होगा ही, मतलब कुछ भी वीडियोज़ डाल दोगे क्या। तो जब एल्विस भाई ने ये वीडियो यूट्यूब पे डाली तो उसके बाद एक टिकटॉक स्टार आमिर सिद्दीकी आते हैं और इस वीडियो के बारे में बोलने लगते हैं कि ये सब गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, इस पे इल्ज़ाम लगा देते हैं एल्विस यादव पे। और वो सिर्फ एल्विस यादव पे ही नहीं, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी से बोलते हैं कि ये सब गलत है, आप टिकटॉकर्स की वजह से चल रहे हो वगैरह। सो इस टाइप से वो बोलते हैं तो उन सबको पूरी यूट्यूबर्स काफ़ी भड़क जाते हैं और इन सब पे बहुत ज़्यादा ट्रॉल करते हैं इन सबको, और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इन सब की रोस्टिंग वीडियोस बनाते हैं बहुत ज़्यादा। सो फॉर एग्जांपल जो इनका फेवर करने आते हैं तो उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा ट्रॉल किया जाता है, जैसे कि अदनान और एक अवैध दरबार जो कि एक टिकटॉक स्टार और यूट्यूबर हैं। सो उन्होंने यूट्यूब में इनके फेवर के लिए एक वीडियो डाली थी, ये वाली वीडियो आप इसमें देख सकते हैं कि लाइक और डिसलाइक का रेशियो कैसा है, लाइक से ज़्यादा डिसलाइक है और ऐसा शायद ही किसी और वीडियो पे होता हो। इन पे बहुत ज़्यादा गालियाँ वालियाँ पड़ने लगी, तो एल्विस यादव ने भी एक वीडियो पे बोला था उन्होंने जवाब में कि भाई ये सब नहीं था, मेरा कोई इरादा नहीं था, रोस्टिंग सिर्फ एक मजाक होती है, इसे दिल से नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने इस टाइप से वीडियो बनाई और बाद में फिर आमिर सिद्दीकी को सॉरी भी बोलना पड़ा, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में कुछ इस टाइप की पोस्ट डाल के सॉरी बोला था। तो काफ़ी यूट्यूबर्स ने इनकी रोस्टिंग की थी इन पे, सारे यूट्यूबर्स जब रोस्ट कर ही चुके थे पर फिर भी लोग वेट कर रहे थे कैरी मिनाती की वीडियो का, जिन्होंने कहा था कि यार मेरी वीडियो जल्दी आने वाली है। सो गाइस वीडियो अपलोड हो चुकी है, मैंने तो देख लिया, तो उनके रिएक्शन की वीडियो देखते हैं। अब मेरे से सब्र नहीं हो रहा तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सो सबसे पहले कैरी मिनाती बोले टिकटॉक 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 और आमिर सिद्दीकी को ऐसे इंट्रोड्यूस किया, इससे मिलो, ये है प्रोफेशनल टिकटॉकर आमिर सिद्दीकी, इसने ना यूट्यूब के बारे में बहुत ऐसे हैं, आप लोग बहुत बुरे हैं, हम आप हमारे ही वीडियोस लेके हमारे ही वीडियोस से व्यूज ला रहे हो, पैसे कमा रहे हो और हमारे ही कंटेंट को क्रिंज बोल रहे हो, तो आपका कंटेंट तो क्रिंज इनटू 100 हो गया। मतलब कुछ भी बोलोगे तुम, ना पता हो तो मैं 12वीं फेल हूँ और ये बेटी 6 साल मॉस्को पढ़ के आई है, अब कोई ग्रेजुएट होके भी चौथी फेल कैसे हो सकता है, ये क्या लॉजिक है। मतलब कैरी भाई ये इनका लॉजिक है तगड़ा वाला, लॉकडाउन में बावड़ा हो गया क्या, आप बिल्कुल लगता तो ऐसा ही है, हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं आपके चैनल के साथ और बहुत कुछ बिगड़ सकता है। हाँ तो इन्होंने कहा ये जनाब बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब कुछ भी, कहानी से आगे कहानी बढ़ती नहीं है तुम्हारी, नहीं नहीं तू एक काम कर, तू ना स्ट्राइक मार बे, विवेक ओबरॉय के लिए एक सलमान खान जरूर होता है, लेकिन यार हमें तो बस इतना ही सिखाया, सबको सपोर्ट करके चलो, किसी से नफरत नहीं किसी को। आप बोलते हैं कि यूट्यूब की कम्युनिटी झगड़ा बहुत करती है, देखे तो यार आप लोग की कम्युनिटी मैंने देखा है कि आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, बहुत झगड़े करते हो यार तुम लोग। सही बात है यार, हम कुत्तों की तरह लड़ते हैं। साला मेरे पे वीडियो काहे को बनाया, मेरा समझता क्या रे अपने आप को, एक नहीं 10 वीडियो बनाएगा पता क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट भी बनाएगा पता क्या करेगा। ए चल चल कैमरा ऑफ हो गया। अगर आपके 3 कंटेंट है तो सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी सब वही कंटेंट कॉपी करने लग जाते हैं, वही बातें होती है, भाई बहन के वीडियोस तो सब भाई बहन के वीडियोस बनाएंगे, गोल्ड डिगर की वीडियो तो सारे गोल्ड डिगर्स के वीडियो बनाएंगे, मतलब भेड़ बकरी वाले चाल करते हैं। मतलब यूट्यूब भेड़ बकरी वाला चाल करता है, भाई यूट्यूब कब आया और टिकटॉक कब आया उसकी हिस्ट्री देखो। इस पे कैरी मिनाती का रिएक्शन, टिकटॉक परियों का शहर, यूट्यूब शैतान का घर, मैं खुश हूँ। कैरी की इस बात पे तो कत्ता ही मजा आ गया। अगर कोई एक ट्रेंड आता है ना, हम लोग अगर कॉपी भी करते हैं ना, तो हम लोग कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते, हम लोग आई भी दे देते और सपोर्ट करते एक दूसरे को। यूट्यूबर्स को इनसे सीखना चाहिए, अगली बार तुम्हें कोई कॉपी करे तो उसे उल्टा मत बोलो, ना 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 ना, बल्कि अपनी अगली वीडियो की उसे स्क्रिप्ट दे दो, सपोर्ट करो। अब तू बॉडी शेविंग करके किसी को कुछ भी बोल रहा है, मोटे को मोटा ना बोले, पतले को पतला ना बोले, मजाक को मजाक की तरह लिया करो। सही में मजाक को तो मजाक की तरह लेना चाहिए वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो। इस कैरी ने बताया कि यार उन्हें टिकटॉकर्स की ओर से कॉल भी आया था कि यार अपनी वीडियो आप मत डालो, पर कैरी कहाँ रुकने वाले थे, हम लोग ने स्पोर्टिंगली लिया तो अब आपकी बारी, आप लोग भी सारी चीजें स्पोर्टिंगली लेना। अगर तुमने मजे में लिया होता तो तुम्हारे फोन नहीं आ रहे होते मुझे। हाँ भाई मिस्टर फैजू, फैजू कैसे कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि कौन सी दिशा में चलती है, अबे तुम टिकटॉक से हो अंडरवर्ल्ड से नहीं। हम लोग महीने के 3 कंटेंट नहीं बनाते, हम लोग दिन के 3 या 4 या 10 कंटेंट बना के पोस्ट करते हैं, तभी तुम्हारा दिमाग तुम्हारी वीडियोस की तरह स्लो मोशन में चलता है। इंस्टाग्राम पे देखोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है।
क्योंकि यूट्यूबर्स इंस्टाग्राम पे ऐसे काम नहीं करते। हैशटैग फैशन शो, हैशटैग फैशन वीक, हैशटैग कूल, हैशटैग वी हॉट इट, हैशटैग जेंटलमैन, हैशटैग स्कर्ट। सो कैरी भाई, आपकी इस बात पे तो मैं भी आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, शायद आपसे मिस हो गया पर पता नहीं कैसे। सो गाइज, मैं आपको लेके जाना चाहूंगा आमिर सिद्दीकी के इंस्टाग्राम पेज पे, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा आमिर सिद्दीकी की एक पुरानी पोस्ट गाइज, जिसमें आप देख सकते हैं किस टाइप के टैग्स लगे हुए हैं। हैशटैग रैप, हैशटैग रॉब्लॉक्स, हैशटैग ये क्या है। सो गाइज, आप देख सकते हो किस टाइप के हैशटैग्स लगे हुए हैं। तो क्यों भाई, इसे भी डिलीट करोगे क्या, इसे भी एडिट करोगे? जो कैरी ने हैशटैग स्कर्ट दिखाया था वो इन्होंने एडिट कर दिया है इस पोस्ट पे। आप देख सकते हैं एडिटेड 6R यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो ये क्या था गाइस, एक पंच लाइन तो कैरी ने बहुत तगड़ी मारी। इस बेटी को जब कोई ऑनलाइन देखता और फिर असली में देखता ना, तो उसमें इतना फर्क है। हम लोग भागते हैं एक ही चीज के पीछे, दैट इज कंटेंट और प्यार, सपोर्ट, इज्जत। भाई ये क्या था, एक चीज बोल के चार गिना रहा है। हम लोग भागते हैं एक ही चीज के पीछे, कंटेंट और प्यार, सपोर्ट, इज्जत। तो दैट इज अ कॉमन सेंस जो मैं बताने को एक्सप्लेन कर रहा था। ये क्या जंबल वर्ड्स खेल रहा है ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। टॉकर्स को मैं ये कहूंगा, इतने घबराने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि उम्मीद करो कि तुम पे भी वीडियोस बने, चलना उसे ही कहते हैं। और यूट्यूबर्स को मैं कहना चाहूंगा, गाइस दिस इज द राइट टाइम, देर किस बात की है, हमें भी टिकटॉक पे आ जाना चाहिए और मच मच के मचा देना चाहिए। मैं मजाक कर रहा हूँ सालों, पार्टी मत बदल देना, वरना ना तो यहाँ के रहोगे ना बाहर के। तो गाइस, इस तरह से कैरी विनाती ने इस मैटर का दहन कर दिया और उन्होंने बोला कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हाइप बढ़ा दी कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, ये सब नहीं करना चाहिए। और गाइस, इस वीडियो के बाद कैरी विनाती बहुत फेमस हो गए हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर लगभग 3 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किए हैं। गाइस, उनके पहले लगभग 10 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर थे और अभी आप देख सकते हो 1.3 करोड़, यानी कि उन्होंने 3 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किए हैं। ये बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है गाइस, सिर्फ 2 दिन के से भी कम टाइम और में। गाइस, उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड और बना दिया था, उन्होंने सिर्फ 2 घंटे से भी कम टाइम में 1 मिलियन लाइक्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। और गाइस, उन्होंने अपने यूट्यूब वीडियो में 2 मिलियन लाइक्स की मांग की थी। तो गाइस, आप देख सकते हो अभी भी 2 दिन का टाइम भी नहीं हुआ है और उन्होंने अपने यूट्यूब वीडियो पे लगभग 6.5 मिलियन लाइक्स गेन कर लिए। और गाइस, क्या बात है यार, इस वीडियो पे लगभग 3 करोड़ व्यूज़ आ चुके हैं, लगभग 30 लाख, गजब भाई साहब। और आशीष चंचलानी ने ट्वीट करते हुए ये कहा था, एक के वीडियो से ही ये हाल है, सोचो हम सब उतर जाएं जवाब देने पर तो क्या होगा। तो गाइज, आप समझ सकते हैं यूट्यूब एक तरफा जीता है। और फिर वही बात मैं भी कहूँगा, मैं भी किसी के फेवर में ऐसे बोलना नहीं चाहूँगा कि कौन बेहतर है, आप इन सबको मजाक में लीजिए, इतना सीरियस लेने की जरूरत, रोस्टिंग एक मजाक है जिसका मजाक उड़ाया जाता है, उसे भी बुरा नहीं मानना चाहिए। तो गाइज, इसी के साथ मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। यार, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार। तो